नंदुरबारातील श्रीकृष्ण जन्माष्टमी महोत्सवानिमित्त विविध धार्मिक कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात आले आहे. या पार्श्वभूमीवर युरोपमधून गोविंद दत्तदास या महंताचे नंदुरबारात आगमन झाले आहे. धर्मसंस्कृतीबद्दल गोविंद दत्तदास यांनी एनसीओ न्यूजशी बोलताना संदेश दिला आहे. अभी अगर हम देख रहे हैं हर एक सामान्य व्यक्ति उनके लिए जन्मदिन बनाते हैं, बर्थडे, तो कितना उत्सव, कितना पार्टी बनाते हैं. तो जो भगवान है परम पुरुष, उनके लिए सबसे बड़ा पार्टी बनाना चाहिए. तो ये उद्देश्य है कि लोगों को ये शिक्षा, जो परम शिक्षा है पूरा दुनिया में. हमारा जन्म हुआ विदेश यूरोप में, स्लोवेनिया. तो हम क्रिश्चियन परिवार से, ईसाई, परंतु भागवत गीता जस्या तसी पढ़ने से तो हम देखा कि जो सनातन धर्म है ये वास्तव में मूल धर्म है. सारे धर्म अच्छे हैं, परंतु सारे धर्मों का स्रोत है सनातन धर्म. और इस प्रकार हम देख रहे कि एक ही धर्म है सारे जीवों के लिए. ये भगवान ने खुद कहा कि अहम विजा प्रदा पिता, एक ही भगवान, एक ही पिता है, परम पिता भगवान. और उन्होंने सारे योनि के लिए उन्होंने कहा. तो धर्म एक ही है, मामय वंश जीवादो के जीवभूत सनातन मानव शस्तनी इंद्रियानी प्रकृति स्थानी कर सकती. भगवान ने कहा कि हर एक जीव, जितना भी जीव है, हर एक जीव मेरा अंश है. मतलब भगवान कृष्ण के अंश है सारे जीव. तो परंतु जो इस भौतिक जगत में है, प्रकृति स्थानी, मतलब इस संसार में, वो छह इंद्रियों और मन के अंदर में संघर्ष करते मतलब. तो हम देख रहे सब लोग परेशान हैं, जितना भी पैसा है, जितना भी करोड़ों रुपया अगर भी है किसी के पास, फिर भी वो लोग दुखी है. तो विदेश में हमारा अनुभूति और ज़्यादा है इसके बारे में. सब कुछ है, सब कुछ बढ़िया, परंतु कोई सुखी नहीं है. परंतु वास्तविक असली सुख गीता पढ़ने से हम प्राप्त कर सकते हैं, और भगवान का नाम कीर्तन करने से. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे. तो कृपया सब लोग 3 तारीख को यहाँ नंदुरबार में आइए और इस उत्सव में भाग लीजिए. कीर्तन होगा, आरती होगा, कथा होगा भगवान के बारे में, और सबके लिए महाप्रसाद. तो सब लोग स्वागत है. यहाँ पर कोई भेदभाव नहीं है, कोई भी जाति कोई भी आ सकते हैं, क्योंकि भगवान के सामने हम सब जीव हैं. कोई बड़ा चोता नहीं है, सभी भगवान के अंश हैं, भगवान के पुत्र हैं. हरे कृष्ण.